जय किसान दोस्तों, मैं चौरिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सभी के YouTube परिवार शहर मिल्कलैंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब हम डेयरी फार्मिंग के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बैंक मैनेजर जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर ले या फिर उसे एक्सेप्ट करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएँ। तो दोस्तों, ये जो मैं 5 से 6 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ये आप जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें उससे पहले या फिर आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं या बनवाएं तो इन 5 से 6 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग का हो या किसी भी व्यवसाय का हो, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज रहनी चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दे रहे हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का मतलब ये रहता है कि हम बैंक को ये बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना साल में खर्चा होगा और हम जो रीपेमेंट है वो किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए और जो आप काम कर रहे हैं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को देखकर बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करता है और आपके लोन को सैंक्शन करता है। दोस्तों, दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें एक्स्ट्रा बजट ऐड न करें। मान लीजिए आप डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और मान लीजिए 10 भैंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो शेड की आपकी रिक्वायरमेंट है वो 10 भैंस के हिसाब से ही डालें। कई बार हम क्या करते हैं कि 10 भैंस का लोन ले रहे हैं लेकिन जो शेड का साइज़ है वो हम 20 भैंस जितना उसमें डाल देते हैं, सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा न करें। आपको अगर मिल्किंग मशीन की ज़रूरत है तो ही डालें, अदरवाइज़ न डालें। आपको चाफ कटर की ज़रूरत है तो डालें, अदरवाइज़ न डालें। ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप 10 भैंस का लोन ले रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि उसके एडिशनल जो चीज़ें हैं वो कम से कम ऐड करें। दोस्तों, इन चीज़ों का लोन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मेरा जो तीसरा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, वो ये है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन न दें। चाहे आपकी वो ग्रीन फूडर, ड्राई फूडर के रेट्स हों, शेड के रेट्स हों, आपके एनिमल परचेजिंग के रेट हों या फिर जो आपके इंस्ट्रूमेंट आपने ख़रीदने हैं वो रेट हों, आप सही सही इन्फॉर्मेशन उसमें दीजिए। क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो क्या है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके पास होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। जितना आप उसमें फेक इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट होने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। दोस्तों, चौथा जो मेरा पॉइंट वो है कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है प्रॉफिट में होना चाहिए। दोस्तों, आप जब प्रोजेक्ट कोई शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के 1 या 2 साल में आपका प्रोजेक्ट माइनस में जा सकता है क्योंकि हम स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में माइनस रहेगा, मान लीजिए 5 साल का आपका जो रीपेमेंट है पीरियड है, तो उसमें अगर 5 साल में माइनस में रहेगा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कभी भी सबमिट नहीं किया जाएगा, कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा बजट आप ऐड न करें। अब दोस्तों, 10 भैंस आप ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप शेड का साइज़ बढ़ा लेंगे, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा जोड़ेंगे, तो उससे क्या है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ेगी लेकिन जो आपका इनकम है वो 10 भैंस से ही आएगी। तो उससे क्या है कि आपका इनकम उतना ही रहेगा लेकिन जो आपकी लोन अमाउंट बढ़ेगी तो रीपेमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा बनेगी, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा बनेगी तो आपके प्रॉफिट कम होगा। तो ऐसे में क्या है कि आप, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जो लोन की अमाउंट है उसे एक निश्चित मात्रा में रखें, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड न करें, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट में रहे, आपका प्रोजेक्ट वायबल रहे, आपका प्रोजेक्ट पास होने में कोई दिक्कत न आए।
दोस्तों पांचवा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं उसके लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उससे पहले एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि आपका कभी भी कोई लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी आपने पहले कभी पास्ट में लोन लिया हो तो उसकी किस्त ड्यू नहीं होनी चाहिए, आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए तभी आपको लोन मिल पाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड ख़राब है, आपने कभी लोन लिया है और उसे समय पर नहीं भरा, सिबिल ख़राब है आपका, तो वहाँ पर 99% आपको लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 से 5 पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान में रखकर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो निश्चित ही आपका प्रोजेक्ट जो है बैंक सबमिट करेगा और आपको लोन मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। दोस्तों आप अगर जानते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है तो इन पॉइंट्स को फॉलो करें, और अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लिखें, मैं इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नॉमिनल से चार्जेस पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लेकर आप व्हाट्सएप करके हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।